दोस्तों आपने ETF के ऊपर काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए काम तो सारी स्ट्रेटेजी करती हैं, लेकिन आज जो मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं, इसमें आपको एवरेजिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप सिंगल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी पर आप अच्छा रिटर्न लेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने एक ETF मंथली इनकम स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है जिससे आप मंथली ETF के थ्रू अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी की। इस स्ट्रेटेजी में आपको केवल एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी और उसमें कोई भी सेटिंग में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंगल इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छा रिटर्न लेने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने निप्पॉन इंडिया ETF बैंक 20 का चार्ट खोला हुआ है। पहले तो आप इस चार्ट को एक घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा दीजिए। अब इसके बाद आपको इसमें इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है RSI इंडिकेटर। जैसे ही आप RSI लिखेंगे वहीं पर आपको रिलेटेड स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम से एक इंडिकेटर शो होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाई हो चुका है। देखिए RSI इंडिकेटर आपको ये बताता है कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है या ओवरबॉट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर पर दो लाइन शो हो रही है, एक है 70 RSI पर और दूसरी है 30 RSI पर। 70 RSI का मतलब ये होता है कि ये स्टॉक अब बहुत ज्यादा बिक चुका है, यहां से इसके गिरने की संभावना बढ़ चुकी है। और वहीं अगर ये चार्ट आपको 30 RSI पर दिखे तो आप समझ लीजिएगा ये स्टॉक अब यहां से उठने वाला है, ये ज्यादा ही गिर चुका है। ये लाइन आपको देखनी है, ये लाइन जैसे ही 30 पर टच करे यानी कि यहां से उठेगा, और ये लाइन 70 पर टच करे यानी कि इसकी गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों किसी भी ETF में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास सिंगल अमाउंट है, मतलब आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहते कि मेरे को एवरेजिंग करनी है या नहीं करनी है, आप केवल सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उस पर अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो किसी भी ETF में आप तब एंट्री लीजिए जब इस इंडिकेटर की RSI 25 आ जाए। जी हाँ, और इसका टाइम फ्रेम चार्ट का 1 आवर सिलेक्ट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इसकी RSI 26.29 है, लेकिन हमें 25 RSI आने पर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये RSI 25 आ चुकी है। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कि हमको कितना रिटर्न मिलता अगर हम यहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते। तो आप यहां से मेजर करें और इसकी 70 RSI आने तक आपको 3.85% का रिटर्न मिल सकता था। अगर आप इसका फुल रिटर्न देखें कि ये रिटर्न 5.67% तक गया है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 70 RSI आने पर अपनी एग्जिट पोजीशन बना लीजिए या फिर वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर उस ETF को आगे ट्रेल कर सकते हैं। अब हम इस स्ट्रेटेजी को एक बहुत ही वॉलेटाइल ETF पर टेस्ट करके देखेंगे जिसमें आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने वाले हैं, जिसका नाम है PSU बैंक 20 ETF। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी RSI 17 भी गई है, लेकिन हम तब देखेंगे अगर इसकी RSI 25 पर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता था। तो हम सिंपली यहां से इसके रिटर्न को मेजर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस दिन 13 मार्च थी और आपको 3 अप्रैल तक इसमें लगभग 6.5% का रिटर्न मिल चुका हो, और इस रिटर्न को मिलने में आपको 1 महीना भी नहीं लगा है। अब हम इसी ETF में कुछ और अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि इस ETF की RSI इस समय 26 है। अगर हम यहां इन्वेस्ट करते तो हम इस ETF में, अगर हमने PSU बैंक 20 ETF में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होता, आप 8.5% तक का रिटर्न आसानी से ले सकते थे। चलिए अब एक एग्जांपल हम CPSE ETF का भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि CPSE ETF की RSI इस समय 23 के आसपास है। अगर हम इसका प्रॉफिट यहां से निकाल करके देखें,
आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपने CPSE ETF में भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 8 से 10 दिनों में ही 3.76% का रिटर्न आसानी से मिल गया होता। देखिए, किसी भी स्ट्रेटेजी पर काम करने से पहले बैक टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना आप बैक टेस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उस स्ट्रेटेजी पर उतना ही ज्यादा होगा और आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लेकर निकल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि मंथ में आपको एक या दो बार ही 25 RSI आती हुई किसी भी ETF में देखने को मिलेगी। इसलिए आपको ये करना है कि आपको ETFs की वॉचलिस्ट बना लेनी है और आपको हर ETF को रिसर्च करते रहना है। जब भी किसी भी ETF में 25 RSI आए वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लगातार मौके मिलते रहेंगे ETF में इन्वेस्टमेंट करने के। अब आपको किसी भी ETF से कितना प्रॉफिट लेना है ये आपके ऊपर है। या तो आप जब तक इस ETF में टिके रह सकते हैं जब तक इसकी RSI 70 ना पहुंच जाए, या फिर आप खुद से डिसाइड कीजिए कि मुझे 2% प्रॉफिट चाहिए, 3% चाहिए या 5% चाहिए। इस ETF स्ट्रेटेजी को आप अलग अलग ETFs पर अप्लाई करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये ETF की स्ट्रेटेजी 100% काम करती है या कहीं कहीं इसमें एरर आते हैं। अगर कहीं एरर आते हैं तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। ETF की ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, द ETF ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे।